तरफ से भरत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब प्रिय से होंगे। आज हम डेट केक बनाने जा रहे हैं, तो जिसके लिए जो पहला स्टेप है वो है कि 3/4 कप जो मेजरमेंट वाला कप है या जो भी कप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग में ये है कि आप बेशक चाय वाला कप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही साइज़ हर एक चीज़ की मेजरमेंट के लिए रखें। तो ये 3/4 कप बॉइलिंग बॉइल्ड वाटर है। इसमें हम 17 के करीब खजूरें, वो साइज़ पे डिपेंड करता है कि हमें बाद में जब ये ज़रा थोड़ी ढीली हो जाएं, इसके अंदर से गुठली निकालेंगे तो हमें 1/2 कप चॉप्ड खजूरें चाहिए। तो आमतौर पे 16-17 जो खजूरें हैं काफ़ी हो जाती हैं। अब इसमें हमने अगर तो आपको कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी लाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा लाइट चाहते हैं तो फिर 1/2। मैं 1 और 1/2 के दरमियान में रख रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं पसंद और बहुत लाइट भी नहीं। तो देख लें कि मैं इतना डाल रही हूँ कॉफ़ी और 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा, अब हम इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखेंगे कि जिसमें ये खजूरें बिल्कुल नरम हो जाएं और आसानी से इसकी गुठली निकल सके। नंबर 2 स्टेप जो है उसमें 1/2 कप मैदा है, 1/3 कप ये ज़रा दिखा, 1/3 कप जो है वो कोको पाउडर है, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। वो पहले हमने बेकिंग सोडा डाला था खजूरों में, जबकि इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, और 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसको अब आप अच्छी तरह छान लें। पंद्रह बीस मिनट के बाद मैंने खजूरों में से ये देखिए गुठली और जितना हो सके ऊपर का छिलका जो उतर सकता है वो उतार लें और इसको चॉप करके रखें। अब ये सारा जो खजूर का है ये हम इसी पानी के अंदर डाल देंगे जो कॉफ़ी वाला है, और इसके बाद इसको हम बीट करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब जो थर्ड हमारा स्टेप है उसमें हम 75 ग्राम मक्खन रूम टेम्परेचर पे, 1/2 कप शुगर, मोटी वाली चीनी लेनी है और उसको उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक ये थोड़ा क्रीमी हो जाए। इस स्टेज पे हम एक अंडा, थोड़ा बड़े साइज़ का, मेरे पास यही अंडा था तो मैं ये डाल दी, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा भी हो तो वो, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसको मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को। इस तरह की जब शक्ल हो जाएगी तो इसमें हम बारी बारी ये वाला जो बनाया हुआ था मैदा और कोको पाउडर, इसका साथ साथ में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप, पहले अगर ये डाला तो फिर दूसरी हम जो डालेंगे थोड़ा 2-3 चम्मच वो हम खजूर वाला मिक्सचर डालेंगे। हम 2-3 चम्मच जो हैं इस मिक्सचर के डालेंगे और फिर इसको बीट करेंगे, फिर दोबारा से हम मैदे वाला मिक्सचर डालेंगे। यानी आपने बारी बारी दोनों को इस्तेमाल करना है और साथ साथ बीट करते जाना है। से इसको हम कर देंगे बराबर और इसके अंदर थोड़े से अखरोट चॉप करके डाल देंगे
अच्छा, जब मैंने इसको बीट करना शुरू किया था तो मैंने ओवन को 180 पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, तो वो अब इस वक्त गर्म हो चुका होगा। पैन को मैंने ब्रश कर दिया है ऑयल के साथ, बिल्कुल लाइट सा। अब हम इसमें पोर करेंगे और जब तक तकरीबन 25 मिनट के बाद आप इसको चेक कीजिए। तो अगर आपकी छुरी बिल्कुल साफ निकलती है तो फौरन से निकाल लीजिए, क्योंकि जो जो हम इसको ज़्यादा रखेंगे ये ड्राई होता जाता है केक। तो बस पहली बार जब आपको लगे कि केक अंदर से छुरी जो है वो बिल्कुल साफ निकली है तो आप इसको बाहर निकालें। आइए अब हम इसे ओवन में रखते हैं 20 मिनट के बाद। आप इसको चेक कर लीजिएगा और फिर अगर ज़रूरत हो तो चले आए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इस वक्त पहले अभी बड़ा नरम है, काट के देखते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर कोई डेट लवर्स हैं और चॉकलेट पसंद करते हैं तो ये चॉकलेट और डेट्स का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ये देखिए, वेरी सॉफ्ट और मीठा, बहुत ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम। इन्जॉय करें, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दाफेज़ दाफेज़। Thank you.